हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना कि इग्नू में जब आप लोग जाते हो तो आंसर कैसे लिखना है, जो न्यू एडमिशन किए हुए या जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दे चुके हो फिर भी आप लोग देखते होंगे कि नंबर सही से नहीं आ पा रहा है पर मैंने अच्छे से लिख के आया था। तो देखिए उसका ना कुछ कुछ रीज़न होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आपको अगर पूरा आंसर आता भी है ना और अगर आप उसको सही से नहीं लिखते हो तो इग्नू में सही से मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए एक पेपर कितना घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है या 3 घंटे का होता है ना, लेकिन इग्नू वाले लोग चेक कितना में करते होंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। आप ही लोग बताइए, 3 घंटे का पेपर कोई लिखने में लगा रहा है और कोई उसको 20 मिनट में चेक कर रहा है तो वो क्या ही चेक करता होगा और कैसे चेक करता होगा, ठीक है। और यही रीज़न है कि इग्नू में बहुत ज़्यादा बैक लगता है। अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आ गए होगे तो अभी तक आप लोग को अच्छे से पता होगा कि कैसे इग्नू में बैक लगता है। सब्जेक्ट में अच्छे से परफॉर्म करके आओ तो भी लग जाता है बैक, क्योंकि पेपर सही से उस हिसाब से चेक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड में भी हो तो अभी आप लोग को नहीं लगेगा, अभी लगेगा कि मैंने ही सही से नहीं लिख के आया था। लेकिन आप जब थर्ड में चले जाओगे तब आपको 2 सेमेस्टर का ये रहेगा, बुद्धि आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको आंसर लिखने में, मान लीजिए आप फर्स्ट नंबर का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, पहला का आंसर लिख रहे हो, तो आपको कैसे करना है, 1 का आंसर लिखे, ठीक है, और ये ऐसे कर दिए और अब ये लाइन छोड़ दिए और यहाँ से आंसर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जो लिखना है वो लिखिए, ठीक है, या ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसको जरूर एकदम हाईलाइट करके एकदम 1 का आंसर, या फिर आप इसको ऐसे घेरा बना दीजिए, एकदम जितना क्लियर रहेगा ना कि दिखना चाहिए कि हाँ आप 1 का आंसर लिख रहे हो, ठीक है। एक लाइन ये छोड़ दिए और लाइन छोड़ दिए, ठीक है, ये कर दिए इस तरह से ताकि सबसे पहले क्लियर हो जाए किसका आंसर लिख रहे हो, ठीक है। अब उसमें सब दूसरा ये चीज़, आप पूरा पैराग्राफ लिखने का मत सोचिए, ठीक है, बिल्कुल नंबर नहीं देगा। पैराग्राफ लिखोगे तो आपको इग्नू में नंबर देगा ही नहीं, मैं BCA वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और जो बाकी BA हुए होता है उसमें तो पूरा पैराग्राफ ही टाइप का कुछ होता है, पर मैं BCA वालों को कर रहा हूँ। अगर आप इसमें पैराग्राफ लिखने जाओगे तो कोई नंबर नहीं देगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सुने होंगे कि अरे 10 मार्क्स का है तो 4 पेज का लिखना पड़ेगा, नहीं, BCA में ऐसा नहीं होता, ठीक है। BCA पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो इसमें ऑन पॉइंट आंसर लिखना होता है। तो अगर आप 10 मार्क्स का भी पेपर है तो आप अगर उसको 1.5 पेज या 2 पेज में लिखते हो इनफ है, ठीक है, 2 पेज भी इनफ है, 1.5 पेज भी एकदम अच्छे से है, 5 पेज का है आप 1 पेज लिख दीजिए काफ़ी है, ठीक है। हाँ वो भले ही BA में होता होगा कि आपको 4 पेज लिखना पड़ता होगा तब जाके आपको 10 मार्क्स देगा, पर BCA में क्या है, देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड है, आपसे पूछेगा कि एल्गोरिदम क्या होता है तो आप एल्गोरिदम को लिखोगे ना, आपसे पूछेगा कि A+B को कोड करके बताओ तो आप तो कोड ही लिखोगे, इसका कोड कितना होगा, 4 लाइन का होगा, तो आप उसके लिए कहाँ से जाओ 25 पेज लिखने बैठोगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिए कि पेज का ये होता है, ठीक है। आप जब लिखने जाओगे तो पैराग्राफ बिल्कुल मत ये कीजिएगा, पैराग्राफ में तो लिखने का सोचिएगा ही मत, सभी को पॉइंट में, ठीक है, जैसे कि आप लिखे 1 का आंसर दे दिए, अब यहाँ पे आप पॉइंट में लिख दिए, या फिर मान लीजिए किसी के बारे में कुछ पूछा है, ठीक है, तो पहले आप उसके बारे में 2 लाइन का लिख दिए और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जब आपको आगे लिखना होगा तो पॉइंट देके लिखिएगा कि इसके बारे में लिखे, और उसके बाद हाँ जैसे ये पॉइंट लिख दिए, ये पॉइंट, ये 3 लाइन में पॉइंट हुआ ये, ठीक है, एक पहला पॉइंट, तो ये लाइन को छोड़ दीजिएगा, अब दूसरा पॉइंट यहाँ से, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा, फिर यहाँ से लिखे, यहाँ से लिखे, फिर ये लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर देखिए लाइन ज़रूर छोड़िएगा, उसको साफ दिखना चाहिए, ठीक है। पेपर जो चेक करेगा उसको क्लियर क्लियर एकदम सामने सामने दिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे एकदम भर के रहेगा तो पूरा चेक भी नहीं करेगा और ऐसे ही आपको कुछ कुछ मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसको क्लियर दिखना चाहिए। जैसे पॉइंट देखिए, एक लाइन छोड़ेंगे तो उसको साफ दिखेगा ना, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट में भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप उसको नंबरिंग मत कर दीजिएगा कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे 4 पॉइंट ऐसे मत कीजिएगा। अब बोलेंगे अरे भैया नंबरिंग क्यों नहीं करें, इसमें तो और अच्छा होगा ना, नहीं देखिए नंबरिंग करेंगे ना तो उसका सॉलिड जो एग्जामिनर होगा उसका तुरंत ध्यान पड़ेगा कि अच्छा हाँ, मान लीजिए कि आप 10 मार्क्स का कोई आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें मान लीजिए 4 पॉइंट लिखे, बड़े बड़े पॉइंट लिखे, लेकिन 4 ही पॉइंट लिखे हैं, तो उसका खुद ही हिट करेगा अरे 4 ही पॉइंट है तो 10 मार्क्स का है तो छोड़ो 6 मार्क्स दे देते हैं या 7 मार्क्स दे देते हैं, तो ऐसा होगा। इसलिए नंबर को इग्नोर करने का कोशिश कीजिएगा, ऐसे पॉइंट दे दीजिए या स्टार बना दीजिए, है ना, या फिर ऐसे कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, अगर नंबर को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, इस तरह से कीजिएगा। पॉइंट में लाइन जरूर बीच में दीजिएगा, पहला ये क्वेश्चन लिख के लाइन को छोड़ने में नहीं हिचकिचाइएगा मत, ये नहीं कि एकदम पूरा एकदम पॉइंट भी लिख रहे हैं तो ये पहला पॉइंट लिखे, यहाँ पे ख़त्म हुआ पहला पॉइंट तो दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू कर दिए, नहीं ऐसे पूरा ये नहीं करना है, थोड़ा सा जगह देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पहला पॉइंट यहाँ लिखे, यहाँ पे कुछ कुछ हो गया, ऐसे ऐसे लिख दिए हम लोग, यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, ये ख़त्म हो गया पहला पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट यहाँ से मत लिखिएगा, यहाँ से लिखेंगे तो देखिए फिर यही पैराग्राफ जैसे दिखने लगा है ना, तो इसको यही कीजिएगा कि ये पहला पॉइंट लिख दिए, ये छोड़ के दूसरा पॉइंट यहाँ पे,
ठीक है, स्टार बना दीजिए और कुछ भी कर दीजिए, कोशिश कीजिएगा कि आप नंबरिंग ना करें, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तो उसका ध्यान सॉलिड पड़ेगा, नहीं तो अगर फिर नंबरिंग नहीं रहेगा तो गिनने का कोशिश करेगा, अच्छा कितना पॉइंट लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो इतना टाइम देगा नहीं, आगे बढ़ेगा और वैसे नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। देख लीजिए, और देखिए कभी कभी क्या हो जाता है ना कि आंसर हम लोग को ये नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, जैसे कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो MCS 11 है, अगर उसमें आपसे पूछ लेता है किसी कोड के बारे में तो कोड रहेगा, एक लाइन का होता है, बिल्कुल ये नहीं, ठीक है। आप कोड लिखें हाँ, लेकिन उसका में क्या कीजिएगा, आउटपुट ज़रूर दीजिएगा लास्ट में, आप उसको आउटपुट करके और उसको दिखा दीजिएगा आपको जो कोड रन करेगा उसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करेगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और हाँ, ज़रूरी नहीं है ना कि आप अलग अलग पेन का यूज़ करें, ब्लैक पेन का, ब्लू पेन का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक पेन से ही लिखना है, ब्लू से लिखना है तो ब्लू से ही लिखिए, ब्लैक से लिखना है तो ब्लैक से ही लिखिए, नंबरिंग ज़रूर ऐसे कीजिएगा, ठीक है। एक का आंसर लिखें, हो गया, नीचे गए, ये लाइन छोड़ दिया, ये लाइन छोड़ दिया, नीचे से शुरू किए उसका लिखना, ठीक है। ब्लैक ब्लू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वन का आंसर हम ब्लैक से लिखते, आप लिख सकते हो, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना ही पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा अच्छे से, वैसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेज इनफ रहता है, ठीक है, 28 या 29 पेज रहते हैं और वो बहुत रहते हैं BCA के लिए, ठीक है। उसमें उतना पेज तक कोई पहुँचता भी नहीं, 28-29 पे, मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो उतना तक पहुँचता नहीं था। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा कि पैराग्राफ में ऐसे पूरा आप अगर एक पेज का भर के भी लिख दोगे ना, 2 मार्क्स का में भी, तो भी नहीं देगा मार्क्स वो 2 मार्क्स भी, ठीक है, अगर आप पूरा एक पेज भर के लिख देते हो। पैराग्राफ को एकदम ही इग्नोर करने का कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप पैराग्राफ भी याद करके गए ना तो उसको भी पॉइंट में लिखने का कोशिश कीजिएगा। पैराग्राफ में भी तो फुल स्टॉप आता है ना, जैसे कि एक चीज़ के बारे में कुछ बताया है, उसके बाद दूसरा में जो बताएगा आप उसको दूसरा पॉइंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो BCS 11 जो है ना, इग्नू का फर्स्ट सेमेस्टर में जो है कंप्यूटर वाला में, मैं उसमें एकदम अच्छे से पेपर देख आया था, मैं सोचा था कि हाँ 80+ तो आ ही जाएगा मेरा, लेकिन जब मैं देखा तो मुझे एकदम एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स मिला था, तब मुझे ऐसे ये हुआ। और थोड़ा वक्त के साथ में जब आगे बढ़ाता सेमेस्टर में, तब मुझे पता चला कि अगर मैं पैराग्राफ मैं पूरा लिख के आया था, एकदम पूरा ऐसे फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज एकदम पूरा पैराग्राफ, फिर यहाँ पे भी ऐसी पूरा पैराग्राफ हम लिख के आ गए थे, तो लोग देखा भी नहीं होगा, कट कर दिया होगा, या जितना भी मार्क्स का होगा 1-2 मार्क्स दे के आगे बढ़ गया होगा। तो वही होता है, इसलिए पैराग्राफ इग्नोर कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉइंट में लिखिएगा। पॉइंट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर कितना आता है वो सेकेंडरी चीज़ है, आप कैसे लिख रहे हो वो प्राइमरी चीज़ है, ठीक है। तो पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पैराग्राफ में लिखने का कोशिश मत कीजिएगा, स्पेस छोड़िएगा, ठीक है। आपको कॉपी साफ दिखना चाहिए, क्लियर लगना चाहिए उसको, आपका राइटिंग कैसा है, ठीक है, वो मैं राइटिंग तो एक दिन में क्या ही सुधारोगे एग्जाम में, ठीक है, तो राइटिंग पे नहीं है, आप लिखते कैसे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइटिंग आपका कैसा भी हो लेकिन स्पेस ज़रूर दीजिएगा, पॉइंट में भी लिख रहे तो स्पेस। अब मान लीजिए पहला आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया तुरंत, ठीक है, तो दूसरा आंसर यहाँ पे आ जाइए लिखने, मान लीजिए दूसरा आंसर यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है, आपका सेकंड आंसर आपका इस लाइन में ख़त्म हो गया, तो थर्ड आंसर के लिए आप ये लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आपको पेज का कमी पड़ जाएगा, पेज बहुत सारा रहेगा, ठीक है। अब 15-20 तक पहुँचोगे, उसके बाद ही इससे ज़्यादा पहुँचोगे नहीं BCA में, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ एक क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है तो आप यहाँ से लिखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं कि आप जस्ट यहीं से शुरू कर दिए आंसर, आपको जो क्वेश्चन आता है वो लिखिए। 2 का A नंबर लिख रहे हैं तो 2 का A का आंसर, ठीक है, ये लाइन छोड़ दिए, ये भी छोड़ दिए, यहाँ से लिखना शुरू कर दिए, ठीक है, इस तरह से। और आपको जो जैसे आता है, जो पहले आता है उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। हाँ, और ना सबसे इंपॉर्टेंट ये कीजिएगा, आपको जो सबसे अच्छे से आता होगा ना पेपर में उसी को सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से आता है पहले उसको लिखिएगा, उससे एग्जामिनर को ना, अगर आपको पहले पहले में उसको सही आंसर दिखेगा एकदम, दिखेगा अरे वाह परफेक्ट लिखा है इसने, तो उसका माइंडसेट बनेगा कि हाँ इसका अच्छा पेपर होगा, तो वो जब आगे चेक करने जाएगा तो फिर वो उसी हिसाब से चेक करेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा से लिख रहा है, अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। तो थोड़ा ही उसका दिमाग को भी समझ के करना है हम लोग को, ठीक है। तो आशा करते हैं अपना वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इग्नू में आंसर सेट लिखते कैसे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैराग्राफ मत लिखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में शेयर कीजिए आप वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।